हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो ये कचरा कैसे लग रहा है? पूरा हमारे कैमरे पे कचरा लग गया है। वही नहीं, इसको साफ कर देंगे। ये बस अब ठीक है ना? तो देखो आज सुबह सुबह क्या बन रहा है हमारे। पकौड़ी तो सर बनाने दे गई मास्टर से। ये मास्टर साहब देखो जिया जी क्या बना रही है। जो आपने कभी सोचा नहीं है, जो हमने कभी सोचा नहीं था, चुप रहे। वो बना रही है अभी, देखो पकौड़ी। ऐसी चीज़ों के लिए सोचते ही नहीं हम, खाने मिलेगी सुबह उठ के, है ना? और मौसम कुछ असम सा हो रहा है, बताता हूँ। देखो बाहर मौसम दिख रहा है, कल हुई थी बारिश। कल हमने व्लॉग नहीं किया था, कल का दिन हमने पूरा रेस्ट किया था। देखो रोड पे पानी भरा हुआ है सब जगह, और कल बहुत भयंकर बिजली गिरी। और देखो यहाँ से गाड़ी जा रही है, हमारे जीप के ऊपर बैठ के जा रहे हैं सब। यहाँ से जीप के ऊपर बैठ के जा रहे हैं वहाँ पर। देखो कुछ मस्त सा लग रहा है। देखो अच्छा सा, और बहुत बारिश हुई, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, और बिजली तो ऐसी गिरी है कि कड़ाके तो ऐसे हो रहे थे कि बम नहीं फेंक रहे ऐसे। बाहर ले जाके भी बताता हूँ। बाहर तो हमारे कपड़े धोए गुड़िया ने, और बाहर से बंद करके चला गया कोई, बाहर से बंद कर दिया। अब तो अंदर लोग हो गए, उधर से घूम के जाना पड़ेगा। चलो आए फिर ही जाते हैं ना। ओए ओए जंगली कलेक्टर, एक वो सही, वो जिम्मेवारी ये यहाँ सोया है। जिम्मी का घर वो रहा, बिक गया था बेचारा रात को। मम्मी ने बना रखा है ऐसा घर, बनाया इसका ताकि ठंड में ठंड नहीं लगे उसको। कल तो पूरा बिक गया था बेचारे का घर। कह रहे थे यहाँ से पानी नहीं उतरता, पानी यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ से, यहाँ पे सीमेंट कर देना पड़ेगा यहाँ पे यूँ हल्का सा, तो पानी यहाँ से यूँ निकल जाए। तो हम निकल गए उदयपुर के लिए, और पीछे अभी बता नहीं सकता, वो पीछे मुड़ूंगा हम आगे जाके गिर जाएंगे सीधा खेत के नीचे, खेत के अंदर, है ना? और बस जिम्मी ये दिख रही, जा घर चले जा। हाँ उधर के इधर मैं जिम्मी इधर घूम रही थी, सुबह के बाद सीधे अभी मिले, तो अभी अब सीधे हम मिलेंगे उदयपुर। आज है पूरा मोटो ब्लॉग, है ना? तब से कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, मैं कोई साइड दे रहा हूँ, पर क्या पता इधर से जाएगा, क्या पता कहाँ साइड दे रहा। हाँ वो ठीक पता चल रहा, तो ये वो उतार से तब नया नया कोई दिख रहा है, पता नहीं नया तो नहीं दिख रहा है, पर क्या पता नहीं रहा। हम आ गए खुले, और यहाँ पे थोड़ी देर धूप आ रही है ना, इधर आ रही है सामने से, काका भी आ रहे हैं टोपी पे। ठंडी भी नहीं पहना था, ठंडी लग रही है अभी। देखो इतनी ठंड में कैसे ऊपर लटके हुए हैं, मैं कैसे लटक रहा हूँ, ठंड नहीं लग रही है। विमल सुख दी, विमल सुख दी एक बने और पेट्रोल भी भरवाना अपने खुल गया नाश्ते में बंद हो जाता पेट्रोल। और यहाँ पे भरवाड़ा पानी जैसे भरा हुआ है, तो बारिश नहीं भरा हुआ जो अच्छे बारिश हो रही है, सब पूरा मौसम हो। धीरे धीरे निकालते गाड़ी यहाँ से, हम स्विफ्ट है तो गुड़िया रंग में कितने हो जाए, हेलमेट क्या पैरों पर नहीं लगी, पैरों पर थोड़ी हेलमेट पहना, पैरों पर लगेगी नहीं क्या? आगे चलते तेरे मानसिक से पूरे तो ऐसे ही लगा होते ही नंबर प्लेट फुल लगा है तुझे अभी उनको है कौन ये आज ये ट्रैफिक क्यों लगा है भैया, आज ही लगने का हुआ जब हम जाना होता है तब तो।
तो यहाँ यही होगा, आगे कुछ हुआ होगा तो बाकी तो क्या। ये आगे सारोन जा रहा था, मुझे ऐसा क्यों लगा सारोन माता जी की गाड़ी, ऐसा क्यों लगा मुझे तो सारोन जैसे दिखा था अंदर आगे बैठा था, पर पता नहीं कह नहीं सकता। गुजरात क्या हुआ, उन्होंने भी गुजरात से ले रखी था इतना बड़ा माता जी ने। पाचे रहना पड़ी पाचे, आएगा ब्रेक लगाता रहेगा। ओके आगे क्यों हो, देखो आगे सबसे आगे दिख रहा है इतना ट्रैफिक क्यों है, तो भैया पंखुड़ी लेके जा रहे हैं तुम भी इधर से चले जाते हैं। ये कोई टूरिस्ट है MH2 का महाराष्ट्र गाड़ी है, और कौन सी गाड़ी है कंपनी दिखी नहीं रही, कंपनी ऐसी गाड़ी गाड़ी कौन सी कंपनी है, ये बुरखा तो नहीं है, बुरखा ही है शायद इसका। ये यार इस पर बैठना देखो, वहाँ पीछे वाले बैठ जा, हाँ ये यहाँ पे इसके ऊपर, ये उसकी पंख, ये पंखुड़ी बता है उसकी, क्या बोलते हो बड़ा सा पंखा लगा था, पवन चक्की, पवन चक्की क्या, पवन ऊर्जा, पवन चक्की, पवन ऊर्जा यहीं के लिए पवन चक्की कितनी बड़ी थे ना, क्या बोल इससे आगे निकलना पड़ेगा आपको। ओ भैया वो बता रहे पता है पीछे जाने, अब हो गया मूड खराब, मूड खराब इसलिए हुआ लफड़ा हो गया, मैंने ध्यान दिया नहीं और गाड़ी में पेट्रोल कम था, मैं सोच रहा था खांडी ऊपरी भरवाऊंगा पर वहाँ थी भीड़, तो सोचा कैसे आज भरवाऊंगा, ये पेट्रोल पंप है बंद, तो अब तो लफड़ा हो गया, अब क्या करूँ समझ में आ नहीं रहा, चलो देखते हैं पेट्रोल पंप आगे है वहाँ से करते कुछ है काम करते हैं, यहाँ आगे ही पेट्रोल पंप है वहाँ तक थोड़ा सा देखते हैं, इसे लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट लेके जाते हैं ना, और नहीं जाने मिला लिफ्ट लेके तो गाड़ी को थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर है यहाँ से, वो अंकल कह रहे 200-300 मीटर पे ही है ना, तो चलो जाता हूँ वहाँ पे एक बार, और मैं तो अभी पैदल जाके ले आता पेट्रोल। तो देखो हम पेट्रोल पंप पे आके कहीं और से पेट्रोल ला के भरा रहे हैं ना, तो यही आगे मैं पेट्रोल पंप पे ख़त्म हो गया, अभी आगे वाले पेट्रोल पंप पे गए हम, आगे वाले पेट्रोल पंप से अभी पेट्रोल लेके एक बार तो खोलते हैं से पेट्रोल, एक लीटर पहले दरवाजे गुड़िया को बैठा दिया मैंने गाड़ी में, अरे आज पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओपन पेट्रोल डालते हैं और जाके अब यहाँ से ऋषभदेव जाके अच्छे से 2-2.5 लीटर और डलवा के फिर निकलते हैं ना, जब 500 का एक साथ भरवा दो फिर निकल जाएंगे, किस्मत की ये बोतल भी मिल गई थी अपने को, तो चलो काम भी बन गया, इस बोतल को आपके सामने यहीं पे रख देते हैं ताकि कोई और फंसेगा उसके भी काम आएगी, किसी किसी का काम आएगी, किसी किसी को तो काम आएगी ना। अब बंद करते अपने चेन वेन से बंद करते और निकलते है ना, तो हम खड़े थे यहाँ पे, सब जा रहे हैं तो हम आगे खड़े इस पेट्रोल पंप पे, और ये पेट्रोल पंप बंद है, मैं इस पेट्रोल पंप के चक्कर में आया था पर ये बंद हो गया, और पेट्रोल मेरी गाड़ी भी यहीं आके बंद हुई, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं हुई तो पेट्रोल पंप ही बंद तो दिक्कत नहीं हुई, वे तो धोखा नहीं देती गाड़ी, धोखा नहीं देती है ना, अपन थोड़े से वो हो गए, गाड़ी तो बराबर पेट्रोल पंप पे ले आई थी पर पेट्रोल पंप बंद था क्या करें ना, तो चलो दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले आए और भर भी दिया है, और एक बार इसको अपन चालू कर लेते, चौक हटा लेते, चौक से हटा के क्या दिक्कत कर दी है, बोला चालू एक काम करते हैं चौक लगा के ही चालू करनी पड़ेगी पहले,
अब चालू कर लेते हैं। एक लीटर डाला है अभी, जाके दो तीन लीटर और भरवाते हैं। चलो कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है यार, चालू हो जा। तो हो गई हमारे गाड़ी चालू, थोड़ा सा बंद हो रही है भाई, इस वजह थोड़ा सा पेट्रोल उतरने वजह है ना। तो चलो अब निकलते हैं अपन धीरे धीरे, और जो भी भाई हमारे मिले थे पेट्रोल पर पेट्रोल के लिए, उनको दिखा नहीं पाए हमें, मूड ही ख़राब था उस समय। तो चलो कोई नहीं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी ऐसी कोई मुसीबत में है वो, और मैं उनसे ज़रूर मिलूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना यही करता हूँ, उन्होंने मेरी मदद की है, मस्त हेल्प की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी अब अपने तोड़ती हुई जाएगी, और अब हम निकलते हैं उदयपुर के लिए है ना, और जाके विशुद्ध जाके पेट्रोल भराते हैं, तो यहाँ आगे से भरवा लेते देख लेते हैं ना जाते भी है। चलो पेट्रोल यहाँ पे है नहीं है, रेट नहीं टूट रहा है, चलो नहीं भरवा लेते। रिलायंस का एक आगे है वो भरवा दे ना, अभी तो पड़ा हुआ आगे रिलायंस का रिलायंस भरवा लेते हैं, नहीं भरवाते हैं। हम पहुँच गए श्रीया जी की श्रीया जी, अभी तो हम सीधी पहुँच जाने चाहिए थे, क्या करें ये ख़राब है ना थोड़ी सी, खराब नहीं जल्दी है कोई बात नहीं, अच्छी होगी जरूर अच्छी हो जाएगी ना। दो ढाई लीटर पेट्रोल भरवाए थे ढाई तीन लीटर, अरे ये तो मार्बल फैक्ट्री है, भरवा देते हैं यहाँ, भरवा देते हैं पेट्रोल, निकलते हैं यहाँ से। वो जियो क्या है पहले, यहाँ रिलायंस तक है जियो, वो जियो निकलते हैं हम, और फर्स्ट बार में निकलेंगे, फर्स्ट बार में निकलेंगे सीधा अपन जाकर रुकेंगे तो शिला जी रुकेंगे, और फिर सीधे अरे निकल रहे निश्चित जाके जाओ में निकलते हैं, फिर सीधे उदयपुर। चलो अब मिलते हैं, आ गए हैं सावर माइंड, अब यहाँ से आकर एक घंटे का रास्ता होता है, थोड़े से ऊपर खड़े हैं बहुत से लेते हैं, मैं भी धूप इतनी भी से और थोड़ा सा ठंडा सा रहता है, तो धूप है तब भी अच्छी ठंडक लग रही है ना, थोड़ा थोड़ी देर खड़े रहते हैं यहाँ पे साइड में, नहीं आके खड़े रहता अधिकतर, मैं सोचा था बच्चे खेल रहे होंगे पर आज पहली बार नहीं खेल रहे है ना, लोग लोग निकल के रखते हैं यहाँ पे। ओह शोल्डर पेन हो जाता है ना एकदम से, तो चलो फिर मिलते हैं। तो चलो अब निकलते हैं अपन उदयपुर के लिए, गुड़िया पहुंच गई है घर पे, हम हैं अभी तक टीढ़ी है ना, टीढ़ी पहुंच गए। तो चलो अब मैं धन्नों को करते हैं स्टार्ट, और निकलते हैं, और आधे घंटे के अंदर अंदर या एक घंटे के आसपास, आधे घंटे एक घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे, एक घंटा भी नहीं लगेगा, 30 किलोमीटर है यहाँ। ये हुआ एक्सीडेंट है, पता नहीं आगे
वेलकम आपका बहुत स्वागत है गुरु हमारे वेलकम वाले बता रखे गए हमको जाना है हमें प्लॉट पे है ना तो प्लॉट अच्छा जितने भी बोला था मैंने प्लॉट पे जाएंगे तो आपको पता आपको क्या पता है मेरे को पता क्या नहीं तो एक मैं हो गए नहीं जाता ना तो वहाँ पे है इधर से पूरे कांटे ऊपर हैं झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और बकरियाँ चल रही है अरे वाह दो घर वाह 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 चलो मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया दो घर बन गए एक वहाँ बन गया एक यहाँ बन गया तो चलो अच्छी बात है दो घर बन गए हैं तो ना प्लॉट अपना प्लॉट ये रहा तैयार इस 44 नंबर का प्लॉट अपना है ना चलो बंद करते हैं ये देखो हमें प्लॉट के सामने होटल बन गई और हमको पता ही नहीं है ना मैं तो अभी आ रहा हूँ मैं तो अचानक से देखा आके यहाँ पे होटल बन गई यार चलो अच्छा अब तो पार्टी ही करेंगे अपन ठीक है ना बहुत बड़ी होटल बनी ठीक है चलो अच्छा यार ये ओके स्विमिंग पूल है ऐसा स्विमिंग पूल लग रहा है मुझे या क्या पता नहीं बस स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा
अरे वाह, गजब ही कर देने तो। और तेरी खतरनाक कर दिया ना, गजब ही कर दिया। यहाँ ये रेस्टोरेंट बनाएगा, इधर होटल वोटल ऊपर रहने का होगा, है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओहो, चलो मज़ा आ गया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात। तो निकल रहे हम, बस जस्ट 10 मिनट में एक बार तो गुड़िया के वहाँ जाना है, वहाँ जाके थोड़ा सा चाय पी ना, हो गया हमें, बिल्कुल थोड़ी ठंडी हो गई है ना, तो ठंड लग रही है, उसका ही फोन है, आजा चाय वाय पीते हैं, आता हूँ मैं, जाऊँ दिल्ली में तो अपने क्या हो गया, क्यों भौंक रही है, हाय भौंक रही है, हाय पोए है, बता क्यों भौंक रही है। हम निकल गए और आपको सामने चांद दिख रहा है, चांद कैसा दिख रहा है, देखो मस्त मस्त सा चांद दिख रहा है, वो दिख रहा है, देखो ऊपर, तो बहुत फोकस करने की कोशिश की वहाँ पे, अब पता नहीं आया कि नहीं आया, बट अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, तो ठंड भाई बढ़ गई है, जाके घुस जाते बिल्कुल घर में, तो चलो फिर मिलते हैं ना। तो हम आ गए, ठीक है, तो आए आधा घंटा, घंटा भर हो गया, तो आके थोड़ा सा बस हाथ माथ में धो के थोड़े से फ्रेश हो लिए है ना अच्छे से, और बस अब ठंड तो है पर हम ऐसे ही घूम रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा बिस्तर लगा लेते हैं और कुछ खाना वाना बनाते हैं और फिर खा के सो जाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि अब थक गए, क्योंकि आज आपको पता है वहाँ थोड़ी कितने पेट्रोल ख़त्म हो गया सब, मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता, छोटी मोटी बातें होती रहती है, अब एसी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जहाँ भराना था वहाँ भरवाया नहीं, हम दूसरे पे भरा लेंगे, वो पेट्रोल बंद निकला है ना, तो बंद निकला तो अपना दिक्कत हो गया ना, तो चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं आपको नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो जब अपने रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर देवे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।